क्या मॉनसून पिकनिक हंगामा शिव तीर्थ में? जी हाँ, पहली बार डैम, जंगल, झरना और मुंबई गोवा वाली सबसे थ्रिल वाटर स्पोर्ट्स बोटिंग, बहुत घूमे वाटर पार्क, अब की बार बोटिंग पार्क, साथ में पानी में एडवेंचर और वाटर पार्क का जबरदस्त मजा। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मॉनसून पिकनिक मन पसंद, भूल न जाना शिव तीर्थ आना। हमारा पता उमरी डैम सावनेर नागपुर। स्मार्ट लोगो की पसंद फ्रेश मार्ट। महानगरों के बदलते बाजारों की श्रृंखला अब पांडुर्णा में। बांबल बंधु लाए हैं फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट, किराना एंड जनरल, डेली नीड्स, ड्राई फ्रूट्स, किराना, बिस्किट एंड चॉकलेट, क्लीनिंग प्रोडक्ट और बहुत कुछ एक ही छत के नीचे। तो आज ही खरीदारी करने पधारिए फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट। फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट, पता SBI ATM के बाजू में, महेश्वरी कॉम्प्लेक्स, पंचशील चौक, पांडुर्णा। ग्राम खड़ीकला में खेत का रास्ता बंद करने का मामला मंगलवार को फिर एक बार गरमाया। नाराज किसानों ने तहसीलदार वीर बहादुर सिंह ध्रुवे को फिर एक बार समस्या के समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि वर्षों पुराना खेत जाने का मार्ग बंद करने से किसान भागवत राव अलोने सहित अन्य किसानों को 2 किलोमीटर घूमकर दूसरे किसानों के खेत से होकर आना जाना करना पड़ रहा है। किसान रमेश चोपड़े, प्रवीण खंडार, मंगेश कोल्ले, पुरुषोत्तम टेकाड़े ने सरपंच अरुण इवनाती के साथ पहुंचकर बताया कि पटवारी की गलती है कि उसने रिकॉर्ड में अब तक खेत आने वाली सड़क को जोड़ा नहीं है। जहां से फेंसिंग लगाकर रास्ता बंद किया गया है, उसके बाद से रास्ता आज भी बना हुआ है। ये रास्ते की समस्या, कहां का मामला ये? क्या हो रहा है वहां पर? वहां रास्ता बंद कर दिया। बहुत पुराना रास्ता था, वहां उन्होंने बंद कर दिया है। हजारों साल का रास्ता था वो। अच्छा। और अभी आने जाने के लिए वो मना कर रहे हैं कि जैसे मतलब रास्ता में जाली टोक लगा देता हूँ, गेट लगा देता हूँ, रास्ता दूंगा नहीं कर दिया। एक साइड बंद कर दिया सर उन्होंने। ये समस्या लेके पिछले हफ्ते भी आए थे क्या? इसका कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं। शिकायत करने पहुंचे किसान बलिराम कोल्हे ने बताया कि रास्ता बंद करने वाले धमकियां दे रहे हैं, फसल के समय में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, इससे विवाद और बढ़ सकता है, इसीलिए तहसीलदार से शीघ्र न्याय करने की मांग की गई है। ग्राम मुंडी ढाना में सरकारी खसरा क्रमांक 30/1 में से रकबा 1200 हेक्टेयर भूमि को शमशान के लिए चिन्हित किया गया था। इस भूमि पर बसे अतिक्रमण को 27 जनवरी 2021 को हटाया गया था। ग्रामीणों ने मंगलवार के दिन अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार को शिकायत में बताया कि भूमि पर से फिर एक बार भद्दू भलावी ने अतिक्रमण कर लिया है। गाँव के गरीब लोग जानवर चराने जाते हैं तो गाली गलौज कर भगा रहा है। सरकारी भूमि पर फैले अतिक्रमण को शीघ्र हटाने की मांग की गई है। पचोरी सांझ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं हाई ब्राइटनेस और इंटेंसिटी के साथ सांझ LED लाइट। अन्य LED लाइट की तुलना में 6 घंटे ज्यादा चले और पूरी 85% बिजली बचाए। 9 वॉट के LED बल्ब 2 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। इंडिया की नंबर 1 ISO सर्टिफाइड कंपनी। तो अपने घर और शॉप की रौनक बढ़ाने के लिए सिर्फ सांझ LED बल्ब अपनाएं। CBSE एफिलेटेड राम शांति विद्या मंदिर, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ पांडुर्णा। राम शांति विद्या मंदिर देता है आपके बच्चों को पढ़ने के लिए सुरक्षित स्थान, अनुभवी शिक्षकों से अध्यापन कार्य, वो भी विशेष मल्टीमीडिया सपोर्ट के साथ, विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने के लिए बस फैसिलिटी, शुद्ध RO वाटर और बहुत कुछ जो आपके बच्चे के भविष्य के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 9th एंड क्लास 11th। राम शांति विद्या मंदिर, पार्डी रोड, पांडुर्णा।